हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 8 की इतिहास की वीडियो है और इतिहास में हम पढ़ रहे थे पाठ 1, भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए पहले बुक निकाल लीजिए सभी बच्चे। देखिए आपकी बुक है और आपकी बुक का पेज नंबर है 42। सभी ने निकाल लिया। पाठ 1, भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, आपको याद होगा मैं यहाँ तक पढ़ा चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था हमारा। आज हम पढ़ेंगे पूंजीवाद का जन्म से। ठीक है, पूंजीवाद का जन्म किस प्रकार से हुआ था ये जानेंगे। अब यूरोप में साम्यवाद के स्थान पर एक नई आर्थिक व्यवस्था पूंजीवाद का उदय हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में पूंजीपतियों और श्रमिकों के दो नए नए वर्गों का उदय हुआ। किस किस का जन्म हुआ? पूंजीपति और श्रमिक। यानी कि पूंजीपति वो होते थे जो अपना काम शुरू करते थे, बिजनेस शुरू करते थे, और जो श्रमिक वो होते जो उनमें काम करते थे। तो दो तरीके का वर्गों का जन्म हो गया। पूंजीपति उन कारखानों के मालिक थे जो विभिन्न प्रकार के मशीनों से चलते थे तथा जिनमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता था। पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ कमाना था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाता था, यानी कि उन्होंने काम तो शुरू किया, फैक्ट्री डाल दी, मशीन लगा दी, मशीन में क्या करा उन्होंने बहुत सारा उत्पादन किया जिससे उत्पादन अधिक से अधिक उनका फायदा हो। लेकिन वो श्रमिक जो कि जो काम करते थे उनको, वो जो लेबर होती है उनको बहुत कम वो पैसा दिया करते थे। पहले श्रमिक अपने घरों में छोटे छोटे पुर्जों की सहायता से ही वस्तु बनाते थे, परंतु अब ये श्रमिक कारखानों में काम करने लगे थे। इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन के तरीकों के बदलाव को औद्योगिक क्रांति कहा गया। यानी पहले आप छोटे छोटे रूप में बना रहे थे, घर पे बह के बनाते थे, अब वही चीजें मशीनों से ज्यादा संख्या में बढ़ने लगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। आगे जाकर बिजली तथा दमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने और लोहे की ढलाई तथा बेलनी के नए साधनों ने औद्योगिक विकास में सहयोग दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था। अब है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो क्रांतियां हुई, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति कौन सी थी? उत्तरी अमेरिका में इंग्लैंड से आए अनेक लोग बस गए थे, परंतु वे उन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे जो इंग्लैंड में बसे हुए अंग्रेजों को मिले हुए थे। इंग्लैंड सरकार ने इन क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया था। उत्तरी अमेरिका में बसे हुए ये लोग इंग्लैंड की सरकार के अधीन थे। अंग्रेजी सरकार उनसे कर वसूली करती थी, करों में वृद्धि होती गई और वाणिज्य व्यवस्था का तथा प्रशासन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। तो उपनिवेशों में रहने वाले लोग विरोध करने लगे, मतलब कि उनको इतनी आमदनी नहीं, उनको इतना पैसा नहीं, उनको अधिकार नहीं मिले, लेकिन उनसे कर के रूप में बहुत सारे उनसे पैसे लिए जाने लगे। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। वे अपने को अमेरिकी मानने लगे और मांग करने लगे कि उनको राज इंग्लैंड से स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वहां के लोग रहने वाले थे उनको अलग अधिकार दिए थे, लेकिन जो लोग यहाँ पे आके बस गए थे उनको वह अधिकार नहीं दे रहे थे। तो 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि आपस में मिले और उन्हें स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा में कहा गया कि सभी मनुष्य जन्मजात समान है, मनुष्य को कतिपय जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। अतः इन्हें स्वतंत्रता मिली और उन्होंने कर्तन प्रणाली को सरकार स्थापित की। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया। तो इससे पता लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा किस प्रकार से बना है। ठीक है, उन्होंने एक अधिकार विधेयक बिल ऑफ राइट्स स्वीकार किया। इस विधेयक ने अमेरिकी नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए, यानी कि जो वहां के रहने वाले नागरिक थे उनको कुछ राइट्स दिए गए। अब है फ्रांसीसी क्रांति। अमेरिकी क्रांति के तुरंत बाद फ्रांस में क्रांति हुई। उस समय फ्रांस में आम जनता की दशा बड़ी दयनीय थी, जबकि सामंती सरदार और चर्च के उच्च पदाधिकारी सभी प्रकार के विशेषाधिकार भोग रहे थे। चर्च और सामंती सरदार जिनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी उनको ही कर नहीं देते थे। ऊपर से फ्रांस के राजा लुई 16 अधिक कर लगाना चाहते थे, परंतु तब तक फ्रांसीसी दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचार आम जनता के स्वशासन के अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर चुके थे। जनता के प्रतिनिधियों ने अपने को फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के रूप में गठित कर लिया। 14 जुलाई 1779 को जनता ने पेरिस में बेस्टिल के कारखाने को तोड़ दिया
हर वर्ष यह दिन फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। मतलब क्या था वहां पर दो तबके के लोग थे, वहां पे क्या थे जो बड़े पैसे वाले लोग थे और जो चर्च के बहुत बड़े अधिकारी थे उन लोगों को आराम से रहा करते थे, जो नीचे दर्जे के लोग थे जो गरीब थे उनसे बहुत ज्यादा कर लेते थे, टैक्स लिया जाता था। ऊपर से वहां के जो राजा थे लुई जो 16वें थे उन्होंने भी और अधिक कर लगाना शुरू कर दिया, इससे लोगों में उनके प्रति बहुत ज्यादा मन में भेद आ गया, बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। तो ये सब चीजें उनको वहां के जो फ्रांसिस दार्शनिक थे उनके विचार उन लोगों को पता लगने, जनता को पता लगने लगे, वो उनसे प्रेरित होकर उनका सबका विरोध किया और उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय असेंबली की गठित की गई और उस असेंबली में उन्होंने क्या किया, वहां के पेरिस की बेस्टिल के कैदखाने को तोड़ दिया और उसी के दिन को जिस दिन ये तोड़ा गया था 14 जुलाई 1789 को वो लोग राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य के नागरिक के अधिकांश की घोषणा पर पारित किया। इस क्रांति के बाद फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई, स्वतंत्रता बंधुत्व और समानता उनके मार्गदर्शन सिद्धांत बन गए। ठीक है, अब राष्ट्रवाद क्या है। संसार के अनेक देशों के लोगों को अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली, इस क्रांतियों से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। अब जो देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे एक राष्ट्र के रूप में उभरे। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस सबसे पहले देश थे जिनका स्वतंत्र और संयुक्त राज्यों के रूप में उदय हुआ। जो देश आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी शासन के अधीन थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। 19वीं सदी के पोलैंड, ग्रीस, यूनान, जर्मनी, इटली आदि अन्य देशों में स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष हुए। कुछ अन्य देशों ने 20वीं सदी में स्वतंत्रता हासिल की, यानी कि जैसे कि अमेरिका में फ्रांस में लोगों के अंदर क्रांति की भावना उत्पन्न हुई कि वे स्वतंत्र रूप से अलग राष्ट्र चाहते हैं, इसी प्रकार पूरे राष्ट्र में इस प्रकार से भावना लोगों के अंदर जागृत हुई और छोटे छोटे जो राज्य थे वो अलग से एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र रूप से स्थापित हो गए। साम्राज्यवाद, आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यूरोप के अनेक व्यापारी एशिया के विभिन्न देशों से व्यापार करने के उद्देश्य से 16वीं शताब्दी से ही आने लगे थे। धीरे धीरे इन व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित कर लिए। इसमें इंग्लैंड के व्यापारी प्रमुख रूप से थे। जब यूरोप से विशेषकर इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तो यूरोप के लोगों ने एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न देशों से अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए जिससे वे अपने औद्योगिक वस्तुओं को इन देशों में बेच सकें तथा इन देशों से अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त कर सकें। इस प्रकार 19वीं सदी के अंत तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश प्रदेश यूरोपीय साम्राज्यवाद के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच में जो हुआ था ने राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी शक्तियों को कमजोर बना दिया, उपनिवेशवादों का प्रभुत्व कम हो गया और सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर एशिया और अफ्रीका के अनेक देश स्वतंत्र हो गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो बहुत सारे जो देश थे वो स्वतंत्र हो गए। नए आंदोलन कौन कौन से हुए, 19वीं सदी के दौरान ही मजदूरों ने अपने आम हितों की रक्षा के लिए प्राप्ति के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया है। इन संगठनों को मजदूर संघ, ट्रेड यूनियन कहा गया। ये मजदूर संघ एक प्रकार के में से पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों द्वारा किए जाने वाले मजदूरों के शोषण के विरुद्ध अपनी मांगे मनवाने के लिए बनाए गए। इन संघों में नई और बेहतर जिंदगी के लिए राजनीतिक आंदोलन भी शुरू किए। कुछ विचारकों और दार्शनिकों ने यह मांग उठाई कि जमीन, कारखाने और उत्पादन के अन्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर जनता का स्वामित्व होना चाहिए। इनमें से दो ऐसे विचारक हो जिन्होंने सिद्धांतों को सारी दुनिया पर असर पड़ा, ये दो विचारक थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के स्थान पर एक नई समाज व्यवस्था समाजवाद की स्थापना होनी चाहिए। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के सारे साधन, जमीन, कारखाने आदि पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति होंगे, इन पर केवल कुछ लोगों के पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होगा। इनके विचारों से प्रेरित पहली सफल क्रांति 1917 में रूस में हुई जहां जिन्होंने वहां के निरंकुश जालासाई को खार फेंका। इस क्रांति ने संसार के सभी देशों को प्रभावित किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 2-3 शताब्दियों में दुनिया अनेक क्रांतिकारियों, क्रांतियों और आंदोलन से गुजरी और इन क्रांतियों और आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता और स्वतंत्रता की भावना पर बल देना था। ये सभी क्रांतियां निरंकुश शासन प्रणाली के विरोध में हुई। इस काल में विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी देशों में मिलकर एक ऐसे प्रयास किए कि विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण बने, एक ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें सभी व्यक्तियों का समान अधिकार मिले तथा सत्ता जनता के हाथ में हो। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका पाठ एक पूरा कंप्लीट हो गया, मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है। आपका होमवर्क यही होगा कि आप लेसन को पहले अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो ये क्वेश्चन आपके साइड में चीजें होती हुई थी ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे क्योंकि याद करने योग्य बातें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु जो ये लिखे हुए हैं इन्हें अपनी कॉपी में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप किसके अभ्यास पूरे करवा दूंगी, क्वेश्चन आंसर वगैरह करवा दूंगी, तब तक आप अपनी पढ़ाई अपनी जारी रखिए।